कोरोना का टाइम है तो कोई भी सैलून जाना पसंद नहीं कर रहा है एंड उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। सो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग घर पे इतना प्यारा हेयर स्पा कर सकते हो विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल रेमेडीज एंड आपके हेयर इतने ज्यादा सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो आप इसको जरूर ट्राई करिए एंड मैं हमेशा वंस अ मंथ ट्राई करती हूँ। एंड अभी दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, उसके लिए भी आपके हेयर को सुंदर दिखना है कि नहीं, उसके लिए भी आप हेयर स्पा करिए। गाइस आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैंने स्मूथनिंग वगैरह करवाई है या केरेटिन ट्रीटमेंट, ये सब मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैंने कुछ भी अपने हेयर में नहीं करवाया है, अपने हेयर को नेचुरल ही इतने ब्यूटीफुल बनाया है जस्ट यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स, होम रेमेडीज आपकी मॉम नानी वगैरह आपको बताती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, उससे आपके हेयर बहुत अच्छे होंगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके हेयर हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वीडियो में मैं जो हेयर स्पा करने वाली हूँ वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से होने वाला है, उसमें कोई भी बाहर से सामान नहीं लाना पड़ेगा, आपकी किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से स्टार्ट करिए हेयर स्पा करना और पूरी स्टेप्स को फॉलो करिए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके हेयर को स्मूथ सिल्की शाइनी बनाएगा। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स कैच इट दिस वीडियो। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने ज़्यादा रफ, फ्रिजी, डल एंड बहुत ज़्यादा टैंगल हो गए हैं एंड डैमेज हो गए हैं। अगर आपके भी हेयर ऐसे हैं, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस हेयर स्पा को डेफिनेटली ट्राई करिए। स्टेप नंबर 1 इज हॉट ऑयल हेयर थेरेपी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेंगे और जितने भी टैंगल्स हैं उनको रिमूव कर लेंगे। गाइस क्योंकि जब भी हमारे हेयर में टैंगल्स होते हैं उससे अगर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे अपने हेयर में उससे हमारे हेयर बहुत जल्दी से ब्रेक होंगे और हेयर फॉल ज़्यादा होगी, इसलिए कुछ भी अपने हेयर में अप्लाई करने से पहले अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लीजिए और टैंगल फ्री कर लीजिए। नाउ अब हम हॉट ऑयल हेयर थेरेपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कोकोनट ऑयल लेना है 4 टेबलस्पून। मैंने कोकोनट ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि वो ऑल हेयर टाइप्स के लिए बहुत अच्छा होता है एंड अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है या फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है तो गाइज ये सारे प्रॉब्लम को एक साथ ट्रीट करता है एंड जिसके हेयर में शाइन नहीं है या बहुत सारी स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको भी ट्राई करना चाहिए। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर में शाइन एड करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ड्राई एंड डैमेज हेयर को रिपेयर करता है एंड फ्रिजीनेस को टेम करने में भी हेल्प करता है। मैं हेयर ऑयल को कॉटन वॉल के हेल्प से अपने हेड में अप्लाई कर रही हूँ एंड आप जैसे देख रहे हो मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपने हेयर को डिवाइड करके हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है जैसे कि हेयर ऑयल पूरे स्कैल्प में, हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई हो जाए एंड आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट आपके हेयर के नहीं छूटे, आपको पूरी जगह हेयर ऑयल को अप्लाई करना है। आपको सेम चीज दूसरे साइड में भी करना है एंड अच्छे से आपको हेयर ऑयल अप्लाई करना है अपने स्कैल्प में, पूरी हेयर लेंथ में, जिससे कि आपको स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाए। अब मैं हेड मसाज स्टार्ट करूंगी। आपको अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है कि मसाजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है हेयर स्पा में एंड अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर जल्दी से ग्रो हो तो मसाज अपने हेयर को करिए, ऑयल से करिए या ऐसे ही करिए, बिकॉज मसाज से हमारे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, हमारे हेयर स्ट्रांग होते हैं, आपके हेयर हेल्दी होंगे इससे एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नाउ मैं एक ब्रेड बना लूंगी क्योंकि इसको मैं ओवरनाइट के लिए रखूंगी एंड मॉर्निंग में अपने हेयर को वॉश करूंगी। अगर आप चाहते हो तो आप 1 या 2 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंड अगर आप चाहते हो कि आपको ब्रीड नहीं बनानी है या बन वगैरह बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 2 इज स्टीमिंग योर हेयर। तो हमें अपने हेयर को स्टीम देना है, तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, ट्राई दिस हैक। एक कंटेनर में गर्म पानी ले लीजिए एंड इसमें क्लीन टॉवल और कॉटन टी शर्ट को डिप करके मेक श्योर कि पानी इतना गर्म हो कि आप उसको टॉलरेट कर पाओ एंड आप अपने हेयर को इस टॉवल में रैप कर लीजिए। इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 2 टाइम्स फॉर 5-5 मिनट्स।
हेयर स्टीमिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आफ्टर 5 मिनट्स मैं स्टाइल को रिमूव कर लूंगी। स्टीम से क्या होता है कि हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं। स्कैल्प में जो इचीनेस होती है, रेडनेस होती है, उसको स्टीम ठीक करता है। स्टेप नंबर 3 इज हेयर वॉश विद शैम्पू। आपको कंडीशनर यूज नहीं करना है। मैं सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे से वेट कर लूंगी एंड वेट हेयर में ही मैं शैम्पू अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले अपने शैम्पू को वाटर में अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए। कभी भी शैम्पू को डायरेक्टली अपने स्कैल्प में अप्लाई मत करिए, उससे आपके हेयर में बहुत ज्यादा केमिकल जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। सो ट्राई करिए शैम्पू को वाटर में डाइल्यूट करके ही अप्लाई करें। मैं अच्छे से शैम्पू को अप्लाई करूंगी अपने स्कैल्प में हेयर लेंथ में, जिससे कि जो मैंने ऑयल लगाया था वो अच्छे से रिमूव हो जाए। एंड आपको भी ये मेक श्योर करना है कि पूरा हेयर ऑयल रिमूव हो जाए। स्टेप नंबर 4 इज ड्राई आउट योर हेयर। सो हमें अपने हेयर को 80% ड्राई करना है, उसके बाद ही हम हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। मैं टॉल की हेल्प से ऐसे अपने हेयर को पैट ड्राई करूंगी। नाउ स्टेप नंबर 5 इज नेचुरल हेयर मास्क। ये हेयर मास्क आपके हेयर को स्मूथ एंड सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। तो एक बाउल में आपको एक बनाना लेना है, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। बनाना में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन एंड विटामिन ए होता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स, हमें 2 टेबलस्पून कर्ड या योगर्ट लेना है एंड 1 टेबलस्पून मिल्क लेना है एंड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। सो गाइज, हनी हमारे हेयर को नरिश करने में हेल्प करेगी एंड कर्ड हमने यूज किया है वो हमारे हेयर को सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे हेयर को स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बनाने में हेल्प करेंगे। नाउ इन इन्ग्रीडियंट्स को आपको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड मेक श्योर इस पेस्ट में कोई भी लम्स ना रह जाए। एंड नाउ मैं इस हेयर मास्क को अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो आपको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है एंड पूरे हेयर लेंथ में अप्लाई करना है। आप ब्रश का यूज भी कर सकते हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि हमने कर्ड यूज किया था, कर्ड एक एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट होता है, स्कैल्प इन्फेक्शन से हमारे हेयर को सेव करता है एंड डैंड्रफ एंड इचीनेस को भी रिड्यूस करता है। मिल्क जो प्री कंडीशनर की तरह वर्क करता है, जिसके भी हेयर ड्राई एंड फ्रिजी होते हैं उनके लिए तो मिल्क बहुत ही अच्छा होता है। हनी जो ग्रेट कंडीशनर की तरह वर्क करती है, मॉइस्चराइज करती है हमारे हेयर को, फॉलिकल्स को स्मूथ करती है। नाउ हेयर मास्क मैंने अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में एंड हेयर लेंथ में अप्लाई कर लिया है एंड मैं एक बन बना लूंगी। अगर आपको डर है कि आपके क्लोथ्स एंड आपके फ्लोर डर्टी हो जाएगी तो आप शावर कैप यूज कर सकते हो या वेजिटेबल पॉलीथीन एंड इसको आप 2 आवर्स तक ऐसे ही रहने दीजिए। एंड मैं अपने हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। अगर आपको शैम्पू यूज करना है तो आप कर सकते हो। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी आफ्टर फर्स्ट वॉश ओनली। आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे खुद इतना अच्छा फील हो रहा था आफ्टर डूइंग दिस हेयर स्पा। एंड ये आप घर पे ही इतने हेयर को इतना स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना सकते हो एंड आपके हेयर लॉन्ग होंगे, इससे स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे। सो आप हेयर स्पा को जरूर ट्राई करिए नवरात्रि एंड दिवाली के लिए, आपके हेयर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। Video helpful. If you do, then don't forget to like this video, subscribe to my channel down below, hit the bell icon so you will know about my upcoming videos whenever I will upload. And also, guys, you can follow me on my Instagram. This is my Instagram handle here. अगर आपने मुझे अभी तक follow नहीं किया तो जल्दी से follow कर लीजिए. And I will keep you updated about my personal life and about my YouTube videos. And that's it for today's video, guys. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.